नेक्स्ट हम पेज नंबर करने लगे हैं 180। 180 में सबसे पहले आपने टास्क मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट टाइम। कलर द ग्रीन ट्राइंगल ग्रीन, सर्कल सर्कल में आपने करना है ब्लू, रेक्टेंगल में करना है आपने रेड, और क्या कहते हैं नेक्स्ट है ये स्क्वायर में करना है आपने येलो। ये सारे मैंने कलर्स इसमें फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट आपने देखना है नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने आ रहे हैं, 1 2 3, ट्राइंगल में 3। अब नेक्स्ट है सर्कल, 1 2 3 3 कर दिया, रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 5 आ गया, स्क्वायर कितना है हमारे पास जो येलो कलर में है वो है 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप्स एंड द टावर बिलो इज मेड मेड फ्रॉम, टिक द बॉक्स एंड कंटेन द सेम शेप। हमने जो ये हमारे पास टावर खड़ा टावर है इसके अंदर इसकी कहते हैं शेप्स के नेम लिख देने हैं। तो शेप्स के नेम कौन कौन से हैं हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास शेप्स टावर में यूज़ की गई वो ट्राइंगल, उन्होंने मेंशन कर दी है ट्राइंगल, हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो ये क्या है हमारे पास सर्कल, तो सर्कल लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये वर्टिकल फॉर्म में लेकिन है ये रेक्टेंगल की शेप ही है, तो नेक्स्ट भी हमारे पास रेक्टेंगल है। तो ये शेप्स नेम हो गए और ये हमने फ्लैश कार्ड यूज़ किया है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द बॉक्स एंड कंटेन दैट कंटेन द सेम शेप, वो बॉक्स कंटेन कर शेप यानी वो जिस बॉक्स में टिक करना है जो हमारे पास ये वाले टावर की शेप कंटेन की हुई है। तो इस टावर में वन ट्राइंगल, वन सर्कल, वन स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल्स हैं। तो इनमें से जो तीनों में से ये शेप्स यूज़ की गई है वो है ये वाली पार्ट में, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर करने लगे हैं 181 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एस फॉर द शेप्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट, आपने एस लिखना है जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने होंगे, एंड सी फॉर दोज दैट आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन्स, जो कि कर्व लाइन से बने होंगे। तो हमारे पास कर्व लाइन कौन सी है, ये वाली शेप्स जो आर दे रही है हमारे पास कर्व, तो इसको सी लिख दिया है। ये हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन दे रही है तो ये है हमारे पास एस, ये हमें कर्व शेप दे रही है तो ये सी, और ये भी हमें कर्व शेप दे रही है तो ये आ गया हमारे पास सी। टिक द शेप्स दैट आर मेड अप ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड, वो आपने उस पर टिक करना जो कर्व और स्ट्रेट दोनों दे रही है, तो ये हमारे पास ये कर्व्ड है और ये स्ट्रेट, तो इस पर टिक कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट का दिया था इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे, ये कर्व भी दे रही है और यहाँ पे स्ट्रेट भी है तो इस पर टिक करेंगे, ये सिर्फ हमारे पास कर्व ही दे रही है तो इसको टिक नहीं करेंगे, ये हमारे पास कर्व भी दे रही है और स्ट्रेट भी तो इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमने जैसे पेज नंबर 178 पे किया 178 पे किया था मेजरिंग द लाइन्स, इसी तरीके से इसकी लाइन्स सेगमेंट को हमने मेजर करना है, वही हमने लेना है सेंटीमीटर्स वाली कहते हैं लेना है, और 0 पॉइंट को हमने रखते हुए इसको पॉइंट को हमने मेंशन करना है। तो ये आ रहा है हमारे पास कहते हैं 3.7, तो हमारे मेंशन किया है 3.7 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से हमने सी डी का मेजर करना है अपने स्केल रूलर से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने किया ई एफ का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी एफ जो कि हमारे पास आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर है।